हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड है या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, मतलब आपकी मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रही या आपके रिजल्ट में कुछ गलती है या आपको एबसेंट शो कर दिया या फादर्स नेम में करेक्शन है, फोटो में कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, तो इसके लिए आपको किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके क्लास टीचर, ना आईटीआई, ना टाइम सेक्शन, ना डीजीटी। आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठकर जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, क्या जवाब आया है ये भी चेक कर सकते हो। तो ये यूज़फुल वीडियो है बहुत ही, इसको लास्ट तक देखना और समझना कैसे घर बैठकर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो सकती है। आपको क्या करना है इसके लिए, तो सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए सबको मालूम है कि आपको ये वाली यूआरएल जो है, जो दिख रही है ncvtmis.gov.in, इसको फोन में या फिर आप अपने सिस्टम में क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप टू में आपको क्या करना है, ये जो ट्रेनी वाला टैब है, ट्रेनी वाले में आपको मार्कशीट सेलेक्ट करना है और मार्कशीट के बाद आपको क्या करना है, मार्कशीट वेरिफिकेशन पेज पर आप चले जाओगे, जहां पर आपको क्रेडेंशियल्स दिखाई देते हैं कि आपको अपना रोल नंबर डालना है, एग्जाम टाइप डालना है और सेमेस्टर डालना है। मतलब यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा, एग्जाम टाइप मतलब आपका एनुअल एग्जाम हुआ था या सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, और अगर सेमेस्टर एग्जाम हुआ था तो कौन से सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, सर्च करोगे। अब आप स्टेप थ्री में देख सकते हो कि आपको रोल नंबर कैसे एंटर करना है, आर लगा के एंटर करना है, आर लगा के आपको रोल नंबर ऐड करना है और फिर बाकी क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं। जैसे ही आप क्रेडेंशियल्स फिल कर दोगे तो आपके पास आपका रिजल्ट कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देख सकते हो और यहाँ पर आप अपने मार्क्स देख सकते हो। अब अगर आपकी डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपका रिजल्ट तो अच्छा आ गया और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप अपनी शिकायत यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स जो है वो गलत आए हैं या फिर आपको किसी में एब्सेंट शो कर दिया है, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अग्री और रेज अग्रीवेंस, मतलब जो रिजल्ट आया है आपने उसको अग्री कर लिया है या आप उससे रिलेटेड शिकायत करना चाहते हो। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो तो आप अग्री पे क्लिक करोगे और अगर शिकायत करनी है तो रेज अग्रीवेंस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप रेज अ ग्रीवेंस पर क्लिक करोगे आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और इसमें क्या लिखा होगा कि अगर आपको अपनी मार्कशीट से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड अगर कोई भी शिकायत है तो वो आपकी 30 से 45 डेज के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी, और अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक करें। तो आप ओके पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे वो आपको जो है ग्रीवेंस वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है जिसमें दिया गया है कि ट्रेनी नेम, ग्रीवेंस टाइप में यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपके रिजल्ट के प्रोफाइल में, मैंने बताया ना अगर क्रेडेंशियल्स में लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस जो है यहाँ पे रेज करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, एग्जाम टाइप रेज करोगे, और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपको एंटर करना है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्रेडेंशियल्स फिल करके भी दिखाए गए हैं कि कैसे आपको एंटर करना है, ट्रेनी नेम, रोल नंबर और ग्रीवेंस में यहाँ पे सपोज किसी पर्सन ने प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस जो है वो रेज करना है, तो यहाँ पे प्रोफाइल रिलेटेड सेलेक्ट किया है, देन नेक्स्ट पर क्लिक किया है, या आप फोन से भी कर सकते हो। अब जैसे ही आप ये एंटर करोगे डिटेल्स, उसके बाद जो है एक ओटीपी जाएगा आपके फोन नंबर पर या आपकी ईमेल आईडी पर। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके फोन पर या फिर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, देन आपको वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक ग्रीवेंस का टाइप आपने क्या चूज किया था, प्रोफाइल वाला, और यहाँ पे पूछा गया है ग्रीवेंस का सब टाइप, मतलब किस क्रेडेंशियल में या किस फील्ड में जो है प्रॉब्लम है, फादर नेम में, मदर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, ट्रेनी नेम में, तो यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम 3 सब टाइप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे देखो, देखो ग्रीवेंस सब टाइप में आप कोई भी 3 फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ अगर रॉन्ग है तो वो भी यहाँ पे चेंज करवा सकते हो, नेम में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करना है। इन केस अगर आपकी फोटो में दिक्कत है, देखो अगर आपके नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और अगर इन सब चीज़ों में दिक्कत है तो आपको 10th या 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके फोटोग्राफ में दिक्कत है तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट ट्रेनी फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है और एक एफिडेविट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा फोटोग्राफ चेंज के लिए। तो फोटोग्राफ के केस में आपको ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। अब जो जो चीजें चेंज करवानी है उनके सामने एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा कि लाइक अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा कि करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। अगर आपके ट्रेनी नेम में प्रॉब्लम है तो क्या आएगा, करेक्ट ट्रेनी नेम क्या है वो एंटर करो। जिस जिस चीज का आप यहाँ पे ग्रीवेंस रेज करोगे ना उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और उसकी करेक्ट डिटेल, मतलब लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ भी तो बताओगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये फील्ड दी गया है कि यहाँ पे करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। रॉन्ग वाली जो थी सो है, लेकिन करेक्ट जो करनी है, जो करेक्ट करके डेटा आना चाहिए वो यहाँ पे अपलोड करो। उसके बाद आपको सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करना है। आपका जो है ग्रीवेंस सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको ये आईडी जो है ये फ्यूचर पर्पज के लिए नोट करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं पहले ये बता देती हूँ अगर एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई ग्रीवेंस है तो वो कैसे रेज करना है। एग्जाम से रिलेटेड अगर ग्रीवेंस है तो सिंपली तुमको कंप्लेन पे जाके भी अपने ग्रीवेंस वाला टैब ओपन कर सकते हो, या फिर जहां से रिजल्ट ओपन किया था वहां से भी आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। ट्रेनी नेम सेलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया, ग्रीवेंस टाइप कौन से ईयर के रिजल्ट में जो प्रॉब्लम है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, देन नेक्स्ट किया। जैसे ही एग्जामिनेशन रिलेटेड डालोगे तो वो आपको दिखा देगा कि कौन से ईयर के रिजल्ट में जो है तुमको प्रॉब्लम है, वह उस सेलेक्ट करो और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करो। देन वही आपको ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पर। ओटीपी एंटर करने के बाद जो है उस ईयर का रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अगर ये देखो इस बच्चे का एबसेंट दिखा रहा है या उसको कोई लग रहा है कि मैं एबसेंट नहीं था, प्रेजेंट था, या मुझे फेल कर दिया गया, मेरे को पास होना था, तो इन सब चीजों में क्या ऑप्शंस तुम्हारे सामने आएंगे। यहाँ पर तुम्हारे पास तीन तरीके के ऑप्शन रहेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मींस लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर तुम्हारे पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारा ये प्रूफ करता है कि लाइक तुम एब्सेंट नहीं थे, प्रेजेंट थे, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। वैसे ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, जरूरी फील्ड नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। अब ग्रीवेंस सब टाइप में तुम क्या करोगे कि तुम्हारे मेन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, मेन सब्जेक्ट में क्या आते हैं, ट्रेड थियरी, ईएस और वर्कशॉप, इनके रिजल्ट में प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल मतलब ईडी और ट्रेड का प्रैक्टिकल, या फिर फॉर्मेटिव असिस्टेंट मतलब जो तुम्हारे सेशनल लगे हैं यहाँ से उसमें प्रॉब्लम है। तो इन दोनों का जो है अगर तुम सेलेक्ट करोगे मेन सब्जेक्ट, तो या तुम्हारे मेन सब्जेक्ट में तुमसे पूछेगा कि मेन सब्जेक्ट में से भी कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है। और अगर तुम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकल में भी तुमसे यहाँ पे ये देखो प्रैक्टिकल में भी तुमसे यहाँ पे पूछेगा कि ईडी में प्रॉब्लम है या ट्रेड प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है। एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि ईडी और प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें अलग अलग ग्रीवेंस जो है वो रेज करने पड़ेंगे, ये नहीं कि तुम एक में ही सेलेक्ट करके लिख दोगे, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन लिख दो, जैसे कि आई वॉज प्रेजेंट इन द मेन एग्जाम बट माई रिजल्ट इज शोइंग एबसेंट, राइट। उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दोगे, फिर सबमिट ग्रीवेंस पर तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो वो क्या दिखाएगा कि 30 या 45 डेज में तुम्हारा ग्रीवेंस का सोल्यूशन आ जाएगा, तुम्हें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद वही आईडी होगी, और अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू स्टेटस पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर पोर्टल पर कंप्लेन टूल में जाके ग्रीवेंसेस में, ग्रीवेंसेस व्यू में जाके अपनी आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे क्या करना है, कंप्लेन टूल में जाके, ग्रीवेंसेस में जाके, ग्रीवेंसेस व्यू में जाके ग्रीवेंस आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, गो पर क्लिक करना है। जैसे ही गो पर क्लिक करोगे तुम्हारे जो है ग्रीवेंस की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे ग्रीवेंस व्यू पर क्लिक करोगे, ये ब्लू कलर का जो आ रहा है इस पर क्लिक करोगे, जो तुमने शिकायत दर्ज करी है उसका स्टेटस भी तो देखना है कि रिजॉल्व हो गई या नहीं हो गई है, ठीक है। तो फिर आपकी ये जो है ग्रीवेंस की डिटेल दिखाएगा यहाँ पे कि ये आपने ग्रीवेंस
जो है ये दर्ज किया था या ये आपने डाला था, ठीक है। और उसके बाद कोई अगर अप्रूवल के रिमार्क्स आ गए हैं कि आपका चेक हो गया है, आपकी शिकायत चेक हो गई है, तो यहाँ पे अप्रूवल के रिमार्क्स आ जाएंगे। और अभी अगर पेंडिंग में है तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा भी कि पेंडिंग विद अप्रूविंग अथॉरिटी। अगर वो ग्रीवेंस जो है वो रिजॉल्व हो गया होगा, जैसे फोटोग्राफ में प्रॉब्लम थी या डेट ऑफ बर्थ में, तो वो आपको ब्लू कलर में दिखाएगा कि ये सब चीज़ें अपडेट हो चुकी है। तो ऐसे आप किसी भी शिकायत को यहाँ पे रेज कर सकते हो पोर्टल पे, और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ग्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो फिर कंप्लीट रिजल्ट में ही क्या होगा, अपडेट होगा। उसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ग्रेस नहीं मिली या जो भी है। तो उसमें अगर आप लिखना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो कि लाइक मेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, और ये भी लिख सकते हो कि ग्रेस नहीं मिली। बट उसके लिए अभी कुछ नहीं पता कि एनसीबीटी एमएएस पोर्टल से क्या तुम्हारा रिप्लाई आएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और भी किसी भी तरीके का अगर तुम्हें कोई भी ग्रीवेंस लगता है तो आप सिंपली उस पर क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव टैब्स उन्होंने बनाए हैं, तो इसका यूज करो और अपनी कंप्लेंट्स जो है वो यहाँ पे रेज करो डायरेक्टली एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर। अब आपको आईटीआई जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स जो है वो रेज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए देखते रहे स्किल बुक। थैंक यू।